कक्षा 10 एक्सरसाइज 14.1 इसका हम छठा प्रश्न करने जा रहे हैं। प्रश्न को आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक थैले में केवल केवल नींबू के महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में जाके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली नंबर एक संतरे की महक वाली है, और नंबर दो नींबू की महक वाली। हमने इन दोनों की प्रायिकता निकालनी है। यदि हम प्रश्न को यदि हम इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो प्रश्न ये कहता है कि थैले में केवल नींबू के महक वाली गोलियां हैं। थैले में केवल नींबू के महक वाली गोलियां हैं। तो पहला प्रश्न है क्या प्रायिकता है कि उसमें से संतरे की महक वाली गोली निकलेगी। जब उसमें है ही केवल नींबू के महक वाली गोलियां तो क्या उसमें से संतरे की महक वाली गोली निकल सकती है? नहीं निकल सकती। इसका मतलब संतरे की महक वाली गोली की जो प्रायिकता होगी, हमने पढ़ा था जो इवेंट हो ही नहीं सकता उसकी प्रायिकता कितनी होती है? जीरो। जीरो होती है। अब यह क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमें प्रश्न में दे दिया गया कि थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं। क्या संतरे की महक वाली गोली है? नहीं। अगर संतरे की महक वाली नहीं है तो उसमें से संतरे की महक वाली गोली निकल ही नहीं सकती, और जो काम हो ही नहीं सकता उसकी जो प्रायिकता होगी वह होगी जीरो। इसी प्रकार से दूसरा, वह गोली नींबू की महक वाली है। अब हमने पहले ही क्वेश्चन में बता दिया कि थैले में केवल नींबू के महक वाली गोली है। इसका मतलब जो भी गोली निकालेंगे क्या उसमें से नींबू की महक आएगी कि नहीं आएगी? आएगी, पक्का आएगी। और कोई काम पक्का होता है तो उसकी प्रायिकता कितनी होती है? एक। तो यही इस प्रश्न के उत्तर है। जो काम बिल्कुल नहीं हो सकता यानी संतरे की महक वाली गोली नहीं निकल सकती उसकी प्रायिकता आ गई जीरो, और जो काम पक्का होगा कि नींबू के महक वाली गोली निकलेगी उसकी प्रायिकता हो गई